महानगर के काशीराम जी नगर स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पर भी कोविड 19 गाइडलाइन को लेकर जनमानस को प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र प्रभारी डॉक्टर पवन नायक द्वारा कोविड 19 के मरीजों को दवाइयों का वितरण और सोशल डिस्टेंस पर जन जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र काशीराम जी नगर पर मौजूद रहे केंद्र प्रभारी डॉक्टर पवन नायक द्वारा जनमानस से अपील करते हुए कहा गया कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम सभी को कार्य करने हैं। जो नियम हमें बताए जा रहे हैं उनको फॉलो भी करना है। वायरस का खतरा अभी वाकई टला नहीं है। जो संभावित तीसरी लहर की जो उम्मीद है आने की, अभी क्योंकि वो प्रस्तावित है हम कह भी नहीं सकते, लेकिन हाँ हमें आम जनमानस से ये अपील है कि वो अभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बिना किसी ज़रूरी काम से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आम जनमानस इस सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखेगा तो हमारी और उसकी मदद से हो सकता है कि तीसरी लहर को कंट्रोल कर सकें। वैक्सीनेशन को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? वैक्सीन को लेकर सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सेंटर पे बीएससी सेंटर पे काशीराम में मेरी पोस्टिंग है, यहाँ जितने भी टोटल डोज स्लॉट बुक होते हैं 100% यहाँ वैक्सीन हो रहा है। दवाइयों का वितरण चल रहा है, उसकी क्या कंडीशन है? दवाइयों का वितरण जो चल रहा था घर घर जाके, हाँ दवाइयों का वितरण अभी जैसे कोई कोविड पेशेंट आ रहा है तो सरकार द्वारा, हमारे जिला प्रशासन द्वारा, सीएमओ ऑफिस के द्वारा जो भी किट अवेलेबल कराई जा रही है, जो भी कोरोना पेशेंट होता है उसके घर पे जाके किट अवेलेबल कराई जा रही है।